always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs. तो एक बार फिर से हम निकल पड़े थे एक नए सफर पे, और इस बार मंजिल थी ऋषिकेश। सफर था करीब 5 घंटे का, और पूरे रास्ते हमें सिर्फ 3 चीजें देखने को मिली, बारिश, बारिश और बहुत सारी बारिश। खैर जो भी था, बारिश की वजह से पूरे रास्ते मौसम बड़ा सुहाना हो रखा था, और देखते ही देखते 5 घंटे कब निकल गए हमें पता ही नहीं चला, और हम फाइनली अपने रिजॉर्ट पहुंच गए। I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah. तो गाइस मैं अभी आपको अपना रूम टूर देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने बेडरूम को डेकोरेट किया हुआ है, और बहुत ही सुंदर एक पेंटिंग लगाई हुई है इधर। और इस रूम की सबसे खास बात जो है वो है इस पर्दे के पीछे। इस रूम में से हमको मिलता है गंगा रिवर का 180 डिग्री व्यू, और यही खास बात इस रूम को और ज़्यादा खास बनाते हैं। अब मैं तुमको दिखाता हूँ वॉशरूम कैसा है। तो ये पैसेज हमको लेके जाता है हमारे गंगा व्यू की तरफ। वो दिस इज ऑसम गाइस, this is really beautiful. when you want to get off the darkest ground. yahan pe ek chhota sa mandir hai, aur is resort ki ek private ghat bhi hai जहाँ पे शाम को गंगा आरती होगी, वो भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ पे मिलता है हमको एक जकूजी। तो अभी हम लोग जाएंगे डिनर के लिए,
और मैं दिखाता हूँ डिनर के लिए यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वो कैसा है और डिनर में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। You should grow feathers and see this too. काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले तो डेजर्ट देख लेते हैं। हेलो हेलो, ये मेरी प्लेट। तो ये वाला रास्ता जाता है रिजॉर्ट से उनके प्राइवेट घाट की तरफ। तो अभी प्राइवेट घाट तो ओपन नहीं है, लेकिन हम सुबह सुबह आपको गंगा किनारे वाला व्यू ज़रूर दिखा देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा गेट है रिजॉर्ट से, जो कि गंगा के साइड में जो फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ और छोटा सा एक रोड ही कह सकते हैं, उस रोड पर खुलता है। और मुझे सबसे मस्त चीज़ पता क्या लग रही है, वो जो रिवर के ऊपर छोटे छोटे फॉग टाइप में है, पता नहीं क्या है, क्लाउड जैसा लग रहा है उधर दूर, एकदम रिवर से मिलके ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे क्लाउड्स हैं नीचे ही, बट शायद से फॉग है और यही ऊपर तक एक्सटेंड हो रही है माउंटेंस पे। बट जो कुछ भी है, व्यू तो इतना ऑसम है कि मैं बता नहीं सकता। ये देख, तो अभी ब्रेकफास्ट बूफे लग चुका है और हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या अवेलेबल है। और शिल्पा को तो इडली मिल गई है, शिल्पा खुश होके इडली को अपनी प्लेट में डालते हुए, काफ़ी अच्छा उपमा दिख रहा है। यहाँ पे डोनट्स भी हैं अपने, साथ ही साथ मफिन्स, कुछ इंडियन स्वीट्स, यहाँ पे ऑन डिमांड पोहा बनाया जाता है और यहाँ पे रखा है डिटॉक्स वाटर। और ये हमारे शेफ हैं जो कि पराठे बना रहे हैं। तो शिल्पा तो यहाँ पे सब कुछ पोटैटो पोटैटो वाला लेके आई है। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, हियर इज माय डेजर्ट्स प्लेट बिकॉज आई लव डेजर्ट। बैक कैमरा से दिखाता हूँ, फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये व्यू छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी निकलते निकलते मैंने सोचा एक बार लास्ट आप लोगों के सामने ये रूम को बाय कर देते हैं हम लोग।